नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 6 मई 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये साथ में हमारी जीके बूस्टर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जोधपुर। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय संविधान को 1951 में। थर्ड क्वेश्चन, लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा पेरू देश की राजधानी है। फोर्थ क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित है। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ODF डिफेक्शन फ्री प्लस जिला कौन सा बना है? तो ये बना है वायनाड जिला, सी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है वायनाड। अब देखो टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, वायनाड ये केरल राज्य में है, दूसरे नंबर पे है मैंचेरियल ये महाराष्ट्र जिले में है, और थर्ड ऑप्शन है मतलब थर्ड पॉइंट है अनूपपुर ये मध्य प्रदेश में है। तो ये तीन जिले हैं जो टॉप थ्री हैं। इन तीनों ज़िले का नाम आप याद रखेगा, साथ में ये भी याद रखेगा कि ये कौन कौन से राज्य में हैं। अब बात यहाँ पे केरल की हुई है तो ये रही केरल की लोकेशन, ये देखिए आप कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। 14 जिले हैं लोकसभा के, 20 सीट राज्यसभा की, 9 विधानसभा की, 141 सीटें हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अस्थमुड़ी लेक, पेरे लेक, वेमर लेक, पैरोवर लेक, चारों लेक केरल राज्य में हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है जहां पर केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के सारस वेंकट नारायण भाटी। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड सेंचुरी और नेर वाइल्ड सेंचुरी। तो ये सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी केरल में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, गीता कार्मिकोला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड गीता कार्मिकोला बीमा स्कीम? तो ये की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च, डी ऑप्शन। तेलंगाना सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंगूर योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड की सरकार ने मतलब उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। तो डी ऑप्शन तेलंगाना ये सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तेलंगाना की लोकेशन देखिए आप, ये लोकेशन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ तेलंगाना अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है तेलंगाना की। हैदराबाद कैपिटल है, 2 जून 2014 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, तमिलीसाई सौंदराजन राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं लोकसभा की, 17 सीट राज्यसभा की, 7 विधानसभा की, 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं उज्जल भोयान। तो ये बात करी केरला की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एकता हार्बर बंदरगाह की आधारशिला किस देश में रखी गई? इन विच कंट्री डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एकता हार्बर? तो ये रखी गई है कहाँ पर? मालदीव में, यानी बी ऑप्शन मालदीव थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। माले इसकी कैपिटल है, यही लार्जेस्ट सिटी है। मालदीवियन रुपिया करेंसी है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। तंजानिया की अगर हम बात करें, डोडोमा कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी है दर एस सलाम, तंजानियन शिलिंग इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर है कासिम मजालिबा, प्रेसिडेंट है सामिया सुलू हसन। सिंगापुर की अगर हम बात करें, सिंगापुर डॉलर ये इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट है हालिमा याकोब और प्राइम मिनिस्टर है ली सिन लुंग। कुवैत की बात करें, कुवैत सिटी ये इसकी कैपिटल है, यही लार्जेस्ट सिटी है। कुवैती दिनार करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है अहमद नवफ अल अहमद अल सभा। बी ऑप्शन मालदीव थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। मालदीव की लोकेशन देखिए आप, देखो ये है मालदीव।
और ये इसके बारे में हमने बेसिक डिटेल कवर करी। इंडियन ओशन में है मालदीव। फोर्थ क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 5 मई को। 1 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसका मतलब है इंटरनेशनल वर्कर्स डे, 1 मई को मनाया गया। 2 मई 2023 को विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे, ये मनाया गया। 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 3 मई 2023 को मनाया गया। और 5 मई यानी कल विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये मनाया गया। बी ऑप्शन 5 मई फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य में चिथिराई उत्सव मनाया गया? इन विच स्टेट चिथिराई फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया तमिलनाडु राज्य में। ए ऑप्शन तमिलनाडु फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। तमिलनाडु में बनेगा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। ए ऑप्शन तमिलनाडु फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तमिलनाडु की लोकेशन है। ये देखिए आप, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री है। R.N. रवि ये राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है जिसे मद्रास हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टी राजा ये वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। लेक की बात करें, पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पर है। कोलावाई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक। नेशनल पार्क की अगर बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क। तो ये बात करी हमने तमिलनाडु की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो ये चुना गया है अजय बंगा को, यानी सी ऑप्शन अजय बंगा, ये 6th क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? बाय होम वाज द रिपोर्ट टाइटल द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है WEF। WEF मानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डी ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 7th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की गई है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।